हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर कुछ भी गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको टेलीग्राम में मैसेज भी कर दिया था कि 21,750 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश हो सकता है। थोड़ा बहुत एक बार मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 21,820 के आसपास, लेकिन वापस मैंने री एंट्री लिया 21,600 के अराउंड। बैंक निफ्टी में फिर मैंने 21,300 के आसपास पोजीशंस को रफ किया। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पैसा कमाया। नेट ऑफ में मैं प्रॉफिट में निकला हूँ एक स्टॉप लॉस होने के बाद, और रिलायंस में मैंने काफी अच्छा पैसा बनाया। रिलायंस भी मेरा शॉर्ट था। भारतीय एयरटेल मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट किया था, उसमें 7-8 रुपए प्रॉफिट आया। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो निफ्टी मैंने आपको क्लियरली बताया था, अभी भी मैं आपको वापस वही बोल रहा हूँ कि व्यू अभी भी बेरिश है। आप मेरा लास्ट का 4-5 दिन का वीडियो डाउनलोड करके आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली आपको कहीं भी बाय तो बोला ही नहीं है। क्लीन एंड क्लियर मैं हर एक वीडियो में आके सिर्फ आपको सेल ही सेल बोल रहा हूँ, और आज भी मैं आपको वापस सेल ही बोल रहा हूँ। अगर 10,500 टूटा तो 10,300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी भी अगर 21,000 टूटा तो 20,200 के टारगेट पॉसिबल है। तो अभी भी व्यू बेरिश ही है। कोई भी फ्लैट ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। गैप अप ओपनिंग होता है तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। बट हाँ, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। निफ्टी में 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखो, एंड बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 150 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखो। ये स्टॉप लॉस लेवल्स के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कौन से स्टॉक्स दिए थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिंदाल स्टील सेल दिया था 164 के नीचे, इसमें सेल ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने आपको बायोकॉन बाय दिया था 442 के ऊपर, इसमें भी बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने आपको टाटा मोटर सेल दिया था, इसमें एक इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना, क्योंकि मैंने 104 के आसपास सेल दिया था, 102 का लो बनाया है। तो मैंने आपको 3 ट्रेड दिए, उसमें से एक प्रॉफिट हुआ, दोनों ट्रिगर नहीं हुए। अब आप समझो कि दोनों ट्रिगर नहीं हुए हैं। दो ट्रेड जो ट्रिगर नहीं हुए हैं वो हमारे प्लान में सेट नहीं थे, जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके हिसाब से लेवल्स नहीं हुए, तो वी विल नेवर ट्रेड, करेक्ट। सो मैं आपको यही एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि रात को आप प्लान कर लो कि आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हो। अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से, लेवल के हिसाब से स्टॉक चलते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से स्टॉक्स लेवल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट द प्लान कुछ हो रहा है, तो आपको वो स्टॉक्स में अवॉइड करना है, करेक्ट। सो ट्रेड एज पर योर प्लान, यही एडवाइस है। मैं भी मेरे प्लान के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। आपने देखा होगा जो स्टॉक मेरे लेवल के हिसाब से नहीं आता, मैं उसमें ट्रेड नहीं करता। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल अगर आप देखो, यहाँ पे एक बार टच, दो बार टच, तीन बार टच, चौथी बार, चार बार ये टच हो चुका है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इनफैक्ट इसने तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया है, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, 590 के ऊपर। अब मुझे लगता है यहाँ से भारतीय एयरटेल में ये टारगेट इजीली पॉसिबल है 540 तक के। सो 540 के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, और पोजिशनली भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा ACC। ACC अगर आप देखो, ये है मारू बोजू कैंडल जो मैंने आपको सिखाया था, ये है एक इनसाइड कैंडल, लेकिन इसका क्लोजिंग देखो, इसका लो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। मारू बोजू कैंडल का वॉल्यूम भी है आप देख सकते हो, और इसका लो ब्रेक करके इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो मैंने आपको ये सिखाया भी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है, आपको सेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। तो ये ACC भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, एक रेंज से बाहर निकलेगा। ये 7-8 दिन का रेंज है, आप देख सकते हो डेली कैंडल से। ये 7-8 दिन के रेंज से अगर ये बाहर निकलता है तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सो ये काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा। इसमें 5-6 रुपए के मूवमेंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।